और इस माइंडसेट से जब हम अप्रोच करते हैं पब्लिक स्पीकिंग को, तो वो हमारी लाइफ को बहुत तकलीफ में डाल देती है। What do you feel are some of the biggest myths surrounding the art of public speaking and effective communication? सबसे बड़े वहम क्या है लोगों के जो हमें शुरुआत में आज इस पॉडकास्ट में दूर करने चाहिए? जी बहुत ही प्यारा सवाल है, मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ, कम्युनिकेशन रिसर्च करना मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है, जो मुझे काफी टाइम के बाद पता लगा लाइफ में, 30+ क्रॉस करने के बाद पता लगा। सबसे बड़ा जो मिथ मुझे लगता है कि लोगों ने ये हमें दिया या बेचा या फिर आया कि भैया पब्लिक स्पीकिंग जब आप करने जाते हो तो आपको बहुत शानदार परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। और मुझे ये समझ में आया लास्ट 13-14 सालों में, इतनी सारी वर्कशॉप्स करने के बाद, मैंने कम से कम 850-900 वर्कशॉप्स किए होंगे अभी तक कंट्रीज में। और जैसे आपने कहा कि बड़े नामों को मैंने रिप्रेजेंट किया, जैसे टोनी रॉबिन्स, सक्सेस सोर्सेस, तो मुझे ये समझ में आया मेरे पर्सनल जर्नी के हिसाब से कि पब्लिक स्पीकिंग परफॉर्मेंस कभी थी नहीं थी, ना कभी होगी ना कभी है। हाँ, मैं डिसएग्री नहीं करता कि 10-15 मैक्सिमम 20% एक पार्ट है कम्युनिकेशन का, पब्लिक स्पीकिंग का, डिपेंडिंग ऑन कि क्या टॉपिक आप कर रहे हो, जो कि एक परफॉर्मेंस से रिलेटेड चंक हो सकता है आपके बट 80%+ जो स्पीकिंग होती है वो परफॉर्मेंस कभी भी नहीं होती। और इस माइंडसेट से जब हम अप्रोच करते हैं पब्लिक स्पीकिंग को, तो वो हमारी लाइफ को बहुत तकलीफ में डाल देती है। पब्लिक स्पीकिंग ऐसा होता है कि जब लोग आपको सुनने आते हैं तो आपसे इंस्पायर होने आते हैं, आपसे कुछ सीखने आते हैं, अपना कोई नजरिया बदलने आते हैं या फिर कुछ आइडिया लेने आते हैं आपसे, जो आप शेयर करते हो अपने एक्सपीरियंसेस से। तो मैं ये मानता हूं और ये वही मैं पढ़ाता हूं, मेरा 3P फॉर्मूला है। पहला पी है कि आप परफॉर्मेंस का जो वर्ड है उसको क्रॉस कर दें बड़े रेड से और उसके ऊपर लिखे कॉन्वर्सेशन। जैसे और आप जुड़े, मैं और आप जुड़े हुए हैं इस वक्त, तो हम एक दोस्त की तरह एक सेम मिशन है जो हमारा, लोगों को इंस्पायर करना, आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं है, जैसे कि मैं अपने वाइफ के साथ लिविंग रूम में करूंगा या अपने पेरेंट्स के साथ फेस टाइम पे करूंगा या किसी दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे करूंगा। ये डेफिनेटली प्रिपेयर्ड, और इस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि ये डेफिनेटली प्रिपेयर्ड स्ट्रक्चर एडिंग कॉन्वर्सेशन होता है जी। प्रिपरेशन आपको बहुत करनी पड़ेगी, उस पर एक स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा आपको, जिससे कि एक फ्लो बने आप, और ऐसी शेयर करनी पड़ेगी जिससे लिसनर्स की लाइफ में वैल्यू एड होता। तो ये पहला पीस में है, लोगों से शेयर करता हूँ कि प्लीज परफॉर्मेंस मोड से निकलिए। और देखिए, जब हम परफॉर्मेंस मोड में रहते हैं सिमर, क्या होता है कि वी मेक इट अ लॉट अबाउट आवरसेल्व्स, ट्रू, मुझे ये करना वो करना है। बट जब आप पब्लिकली, तो आपको भी पता, आपने इतने सारे वर्कशॉप्स किए हैं कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द ऑडियंस, क्या वो आपसे ले जा सकते हैं, क्या आप उनको दे सकते हैं, कैसे उनकी लाइफ बेहतर हो सकती है, फ्रॉम द पॉइंट। सो कमिंग बैक, इस माइंड से अगर आप अप्रोच करते हैं तो यू मेक इट अबाउट देम नॉट अबाउट योर सेल्फ। तो जब आपसे हटता है और दूसरों पे जाता है, तो जैसे कहते हैं ना कि सर्विंग शुरू हो जाती है, होती है तो पब्लिक स्पीकिंग होती है। तो पहला पी मैं यही मानता हूँ कि ये एक मिथ बेचा गया है सबको कि ये एक परफॉर्मेंस होती है और आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए आप स्टेज पे जाते हो। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे दोस्त, आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना चाहिए, एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और ऐसे भाव से बोलना चाहिए कि सामने वाले सुनने वाले को आपसे वैल्यू मिल सके। ये मेरा मानना है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। वेरी सिंपल एंड वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी डुएबल, आई थिंक ये तीनों चीजें। और सबसे पहला मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आपके कंधों से एक बहुत बड़ा जो बर्डन है वो रिमूव करने वाला है कि मुझे कुछ साबित करना है या मुझे एंटरटेन करना है। या अभी आप स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हैं, और इवन स्टैंड अप कॉमेडियन भी ये बर्डन नहीं लेकर जाते होंगे कि लोग कब हंसना शुरू करेंगे, राइट? बिकॉज जब भी हम उस बर्डन में होते हैं, आई थिंक हमारी स्पॉन्टेनिटी ख़त्म हो जाती है, वी आर नॉट इन द मोमेंट, हम लोगों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इट्स जस्ट लाइक कई बार बच्चे रट्टा लगाते हैं किसी चीज़ को, एंड उनसे इंटरव्यू में या किसी और सिचुएशन में उसका आंसर पूछा जाए तो वो डायनामिक नहीं होते।